हेलो गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस, मेरी पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कोई सस्ती और अच्छी एयरबड बताओ। तो 250 जगह ढूंढने के बाद मेरे को फ्लिपकार्ट पे एक एयरबड मिली है जिसका नाम है यूकूल क्रिस्टल। ये आपको प्राइस के हिसाब से बढ़िया फीचर प्रोवाइड कर देती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए खरीदने से पहले कि आप पैसे इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज़ में तो आपको क्या प्रॉफिट मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे डिजाइन देखिए, डिजाइन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में करके जरूर बता देना। कमेंट करके ट्रांसपेरेंट केस है इसका, थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड है नथिंग से, आपने नथिंग के एयरबड देखे होंगे। डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यूकूल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और प्लास्टिक बिल्ड में आता है। बाकी डिजाइन आप कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना, क्योंकि भाई डिजाइन सबके अलग अलग पसंद होती है। मेरे हिसाब से ठीक है। और इसके अदर फीचर की बात करूँ तो इसमें आपको साउंड की क्वालिटी के लिए 10 mm की डायनेमिक ड्राइवर दिए गए हैं जो आपको डीप बेस के साथ में इमर्सिव साउंड प्रोवाइड कर देते हैं। उसी के साथ में आपको डुअल HD माइक भी दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप HD कॉलिंग कर सकते हो। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 50 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा। टाइप सी इंटरफेस के साथ में आता है, आप इसको केस के साथ में 50 आवर्स मतलब यूज कर सकते हो। बाकी 10 घंटे जो एक ईयरबड चलती है वो 10 घंटे चलती है। और बाकी म्यूजिक इसमें आपको दो मोड मिल जाते हैं, एक म्यूजिक मोड है, गेमिंग मोड। गेमिंग मोड में आपको 50 ms की लेटेंसी मिलती है जो कि इसके प्राइस के हिसाब से भाई बढ़िया है, मस्त है, क्योंकि वायरलेस में इतना तो होता ही है कम प्राइस पे अगर आप लेते हो तो। और अगर थोड़ी महंगी ले लेते हो अच्छी क्वालिटी की तो उसमें आपको 35 ms या 30 ms तक की मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको फाइव ब्लूटूथ की 5.1 देखने को मिल जाती है जो कि 10 से 15 मीटर की रेंज में वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। वन स्टेप पेयरिंग है, आप डुअल पेयरिंग भी कर सकते हो अलग अलग। और टच कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं जिससे आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, कॉल कंट्रोल कर सकते हो और अपने असिस्टेंट को कंट्रोल कर सकते हो, फिर वो चाहे गूगल हो या सीरी, ये आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है। भाई IPX की 4 रेटिंग देखने को मिल जाती है जिससे आपको थोड़ी बड़ी मतलब पानी से प्रोटेक्शन हो जाती है, बाकी डस्ट प्रूफ होता है ये। बाकी ये नहीं है कि भाई आप बारिश में पहन के इसको निकल लो तो समझ रहे हो ना, खराब हो जाएगी। बाकी और क्या ही होता है भाई एक उसमें एयरबड में, यही कुछ रहता है। और इसका प्राइस मैं आपको बताऊं तो 599 रुपये इसका प्राइस है फिलहाल में। आगे का मुझे नहीं पता कितना प्राइस होने वाला है इसका, क्योंकि प्राइस तो इस पे 3400-3500 रुपये लिखा है, 3499, और इस प्राइस के हिसाब से तो है भी नहीं, बस 599। यानी कि इसके प्राइस के हिसाब से बढ़िया। और इसकी रेटिंग की बात करूँ तो आपको 4 की रेटिंग मिल जाएगी आउट ऑफ 5 में से, तो रेटिंग बढ़िया। और इस पर मतलब कमेंट में रिव्यू में बंदों ने लिखा है ये प्रोडक्ट एवरेज है फॉर मनी के हिसाब से, और सुपर साउंड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी इज नॉट गुड, आई एम हैप्पी विद द साउंड क्वालिटी। क्योंकि भाई इतने प्राइस में कुछ तो एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो इस हिसाब से आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी और म्यूजिक क्वालिटी भी। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये एयरबड परचेस करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको कोई और एयरबड परचेस करनी है तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी एयरबड का स्मार्ट वॉच का मैंने रिव्यू अपने चैनल पर डाल रखा है, जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।